So yo, what's happening guys, welcome back to another game video. आज हम लोग एक और बार खेलने जा रहे हैं Minecraft Hypixel Sky Block. Actually बड़े समय बाद आ रही है, sorry, लेकिन आप लोगों को ऐसी वीडियोस में अभी मजा आ सकता है क्योंकि अभी मैं ट्राई करूंगा consistent रहने का. And guys, actually आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थोड़ा बहुत कॉम्बैट, मतलब वो वाला कॉम्बैट जिसमें हम लोग एंडरमैन से लड़ने वाले हैं. यस, आज की इस वीडियो में मेरी और एंडरमैन की लड़ाई होने वाली है. देखते हैं कौन जीतेगा, मैं या एंडरमैन. एक्चुअली मैंने और भी ज्यादा ग्राइंड करा था उस वाली वीडियो के बाद, तभी मेरे पास तीन और स्नो मिनियन आ गए, क्योंकि जो इसके अंदर एक और इवेंट आता रहता है जो कि होता है क्रिसमस. हाँ, हम लोगों को क्रिसमस अभी अभी गया है, लेकिन इन लोगों को क्रिसमस अभी आएगा. यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड ये मित्र, वैसे गाइस आज की वीडियो में हम लोग माइनिंग करने वाले थे, लेकिन अब नहीं कर रहे क्योंकि माइनिंग वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं लॉल हो जाता है हर बार. चलो और दो स्नो बस. ओके, अभी हम लोग इस स्नो का एन्चांटेड स्नो बनाते हैं और हम लोग बस अपनी चेस्ट में रखेंगे, क्योंकि जब हम लोगों के दो स्टैक से ऊपर हो जाएंगे हम लोग तभी बेचते हैं सारे सामान को. गाइस सॉरी इफ यू हैव बीन अ बैकग्राउंड नॉइस. गाइस तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पर गया था, अभी मेरे को ये और स्नो चाहिए होगी. और स्नो 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 का हम लोग बनाएंगे एन्चांटेड स्नो, फिर उस एन्चांटेड स्नो को हम लोग करेंगे स्टोर. अभी हम लोग यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से भी, और डायमंड भी ले तो अभी मैं नहीं लूंगा. इस वाले चेस्ट में नहीं, इस वाले में. चलो भाई अभी हम लोग चलते हैं सीधा एंडरमैन मारने, लेकिन उससे पहले मेरे को निकालनी पड़ेगी अपनी एस्पेक्ट ऑफ द एंड स्वॉर्ड. गाइस इसमें मैंने बहुत सारे अपग्रेड्स करे हैं सच में. इसके अंदर मैंने 5-6 नई एन्चेंटमेंट डाली है और इसको नेक्स्ट लेवल बनाए हैं. अभी हम लोग चलेंगे फास्ट पोर्टल हब में. टू मेनी गेस्ट, हम लोग इस वाले में चलते हैं. ओके द एंड हो रहा है. यस गाइस, तो यहाँ पे ये री एंड की शॉप, यहाँ से आप चीजें खरीद सकते हो. और आई थिंक सो मेरे पास सब कुछ है, बस ये दोनों बुक्स छोड़कर. हाँ, वैसे ये वाली तो मेरे पास अपनी स्वॉर्ड पे लगी हुई है एंडर्स लेयर, लेकिन मेरे पास 5 है, ये 6 है, और ये है ड्रैगन हंटर 1,000,000 की. आई थिंक सो मेरे स्वॉर्ड पे ये भी हो सकता है, पता नहीं. नहीं है, नहीं है. एंड गाइस यहाँ पे ये जो सामान है ये रेमिनेंट ऑफ द आई, एक्चुअली ये शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोगों को इनविंसिबल रखेगा, तो वो तो ज़्यादा फायदा नहीं है. दिस पिकैक्स विच हैज एफिशिएंसी 6, लेकिन ये भी कोई काम की नहीं है. ये साइलेंट पर्ल है जो कि मेरे पास पहले से 8 पड़े हैं, और इनका भी कोई काम नहीं है. और ये जो लेवल 42 के अंडर मैंने, मैं उनको 1 हिट कर पाता हूँ. 7,000 का डैमेज है, अब पहले बहुत कम हो गया था. इस बंदे का आर्मर कैसे ऐसे हो रहा है यार, मेरा तो बस बूट्स है ऐसे. चलो क्या जा रहा है, अब हम लोग करेंगे ग्राइंड. टंग डंग टंग डंग डंग डंग, बाय 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 बाय. मैं लेवल 45 के
अच्छा 1142 और 45 इसलिए चेस क्योंकि चलो भाई अभी हम लोग चलेंगे और भी ज्यादा नीचे स्पलारम कभी कभार एक हिट से भी काम चल जाता है कभी कभार दो हिट से लेकिन भाई सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जी लॉट्स जिनको मारने में लगता है बहुत सारा टाइम तो कोई मारने देगा इनको ओके गाइस गाइस एक्चुअली बहुत जल्द एक फ्री फायर का हो सकता है आप लोगों को मॉन्टाज देखने को मिल जाए यस बहुत जल्दी आप लोगों को मिल सकता है मॉन्टाज नहीं गाइस आज मैं कॉम्बैट नहीं करता क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा चलो ऊपर चलते हैं जल्दी से गाइस हम लोग कॉम्बैट के साथ कुछ और चीजें भी करते हैं क्योंकि मेरा कॉम्बैट लेवल ज्यादा है अभी जितना मेरे को चाहिए काश कि अभी मेरा दोस्त ऑनलाइन होता फिर मैं उसके साथ ना डंजन करता गाइस उसमें बहुत मजा आता है डंजन में एंड अभी हम लोग चलेंगे स्काई ब्लॉक हब में लेट्स गो एंड गाइस अभी मेरे पास बहुत कम है स्काई ब्लॉक मनी बहुत कम एंड ये है ओरिंगो जो कि कभी कभार आता है कुछ पेट्स लेकर आता है एंड अभी हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव मिला है जो कि है टॉक टू द फिशरमैन वो किधर है ये तो फिश मर्चेंट है अभी ढूंढते हैं चलो भागो भागो ओ इधर भी ये लोग फिशिंग कर रहे हैं इसके पास है सॉल्टी विंटर रॉड मेरे पास आइस रॉड है मोस्ट वांट्स ओके लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव तो अभी तक नहीं हटा वही सेम ऑब्जेक्टिव है ये चलो भाई अभी हम लोग इधर से भी चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं है वैसे एंड अभी हम लोग यहाँ से जाना है तो हम लोग करेंगे क्या इस वीडियो में गाइस सॉरी फॉर हियरिंग बैकग्राउंड नॉइसेस हम लोगों ने गाइस मैंने कुछ ऑक्शन में चीजें लगाई थी अरे यार चलो क्या ही कर सकते हैं क्राफ्ट है जिस मतलब असली वाला माइनक्राफ्ट है तो भी मैं जो चीजें ऑक्शन में लगा रहा हूँ प्लीज ले लेना मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे मैं लगाऊंगा दो दिन के लिए स्विच टू बिन यस मेरे पास पैसे नहीं है छोड़ो अभी हम लोग इसको भी कहाँ पे रखूंगा मैं मेरी स्टोरेज भी फुल हो जाती है कहाँ गाइस मेरे को पहले तो अपनी स्टोरेज खाली करनी पड़ेगी इतना सारा फालतू का सामान रहता है सारी रून निकाल देता हूँ मैं इसमें से सॉरी ये भी निकाल दो इसमें उस वाली से निकाल के इस वाली में भर दो डंजन और भी निकाल लेता हूँ ये डायमंड्स भी एंडर पर्ल्स भी फर्नीचर भी रूम भी ये भी यहाँ पे से जेकब्स टिकट स्पिरिट वन पोशन बहुत कुछ है मेरे पास और अब सब कुछ किसी ना किसी चश्मे में भर देते हैं चलो लेट्स गो नाइस गाइस ये है मेरा फार्म जिसको मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड करा अभी मेरे को इधर से जाना नहीं उड़ भी सकता हूँ तभी मैं क्यों रिस्क लेता हूँ
भाई मेरा भी मन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मेहनत लगती है इनको काटने में। एंड क्या ही बताऊं गाइस।